नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की जो मेनली पुरुषों की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ में आती है। पुरुषों की कौन सी प्रॉब्लम, जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और पेनिल इरेक्शन ना होना, ये दोनों ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी पुरुष को सेक्सुअल टाइम के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए ये टैबलेट का कम्बिनेशन आता है जो कि है टेडालाफिल एंड डैपॉक्सटिन टैबलेट्स का, जिसमें टेडालाफिल एक्चुअली 10 mg में होता है और डैपॉक्सटिन 30 mg में होता है, और इन दोनों का कम्बिनेशन इस बीमारी को सही करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। एक्चुअली मैं फोकस करूँगा एक ब्रांड जो कि है ड्यूरा प्लस के नाम से मेडिसिन आती है, बाकी कम्बिनेशन सेम होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और कैसे यूज किया जाता है, इसको ज़रूर देखिएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं ड्यूरा प्लस टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो ये दो अलग अलग मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है, जिसमें टेडालाफिल 10 mg एंड डैपॉक्सटिन 30 mg में होता है। देखो, टेडालाफिल एक प्रकार का PDE5 इनहिबिटर होता है, यानी फास्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इनहिबिटर होता है। मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का उपयोग ना करूँ और साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो टेडालाफिल एक्चुअली एक ऐसी मेडिसिन होती है जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान पेनिस के अंदर में ब्लड फ्लो को इनक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पेनिस के अंदर में इरेक्शन उत्पन्न होता है और ये इरेक्शन सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान बना रहता है। तो अगर मान लीजिए कि इरेक्शन नहीं होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है किसी भी पेशेंट में, तो उसको टेडालाफिल टैबलेट दी जाती है। दोस्तों, ये दोनों अलग अलग मेडिसिन का वीडियोस बनाया जा चुका है, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग मेडिसिन का वीडियो भी देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डैपॉक्सटिन टैबलेट के, तो ये एक प्रकार की होती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपेटिक इनहिबिटर, यानी SSRI मेडिसिन होती है, जो एक्चुअली हमारे नर्व्स के अंदर में सेरोटोनिन की मात्रा को या सेरोटोनिन के लेवल को इम्प्रूव करती है, एक्चुअली इनक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि जो इजैकुलेशन के ऊपर बॉडी का कंट्रोल है वो हो पाए, यानी ह्यूमन जो है वो इजैकुलेशन पर कंट्रोल कर पाए। अब ये मेडिसिन ऐसे लोगों में ज़्यादातर दी जाती है जिसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या दिखाई पड़ती है। अब ये जब दोनों मेडिसिन को एक साथ में देते हैं तो दोनों मेडिसिन इन दोनों समस्याओं को बहुत हद तक काबू कर पाती है, कंट्रोल कर पाती है। तो दोस्तों, अभी तो ये हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आगे हम लोग यूज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड में ये मेडिसिन आती है। दोस्तों, ड्यूरा प्लस तो इसका एक ब्रांड है ही है कि ड्यूरा प्लस के रूप में आती है। इसके अलावा ये अपहोल्ड के नाम से मार्केट में आती है, एडीसेप प्लस के नाम से आती है, टेडाजा के नाम से आती है, राइज अप डी के नाम से आती है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं जो आपको आपके एरिए के हिसाब से आसानी से मिल सकती हैं। जो भी आपको मिलती है आप ले सकते हैं, सेम कम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके यूज़ के बारे में, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों मेडिसिन का अलग अलग काम क्या होता है, तो ये मेडिसिन एक्चुअली एक एडल्ट पर्सन में प्री मैच्योर एजुकुलेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। साथ में अगर पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या है तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मतलब कहने का मेरा ये है कि आप समझ लीजिए कि जितनी भी सेक्सुअल ड्यूरिंग प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उस प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन कारगर होती है, ये दी जाती है। और कभी कभी ये मेडिसिन अलग सपोर्टिव मेडिसिन के कम्बिनेशन में भी दी जाती है, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही आप लें। वैसे भी ये मेडिसिन भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करें कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन लगातार लेते हैं तो आपको इससे क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला तो अगर आप इसे लेते हैं तो आपको नौजिया वोमिटिंग की शिकायत आ सकती है, जिसमें आपको नौजिया की समस्या कॉमन होती है। दोस्तों, इसके अलावा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं तो आपको अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है। अब ये हेडेक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हेडेक जो है वो कॉमनली देखा जाता है पेशेंट में। अगर इसको लेते हैं तो तुरंत आधे घंटे बाद आपको हेडेक की समस्या आ सकती है, तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन ले सकते हैं, आपको सर दर्द की दवा खा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैशिंग देखने को मिलता है, यानी कि आपका कान, आपका चेहरा, गर्दन है ना, ये सब रेड हो सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लशिंग की शिकायत आती है।
इसके अलावा दोस्तों डिजीनेस महसूस हो सकती है, नोज़ ब्लीड्स हो सकती है, यानी कि नाक से खून भी आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ये टैबलेट लेते हैं। इसके अलावा माउथ ड्राइनेस भी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो पेशेंट को दिखाई पड़ते हैं अगर पेशेंट इस टैबलेट को जब बहुत ज़्यादा लेता है, ओवरडोज करता है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई पड़ सकते हैं जैसे कि हेडेक। बात करें कुछ प्रिकॉशंस की दोस्तों, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये एक प्रेस्क्रिप्शन की मेडिसिन है, तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं बेचनी चाहिए और ख़रीदनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम के हैं उनमें इसको नहीं यूज किया जा सकता है, नहीं तो ये इसका ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट शरीर में दिखाई पड़ेगा। लास्ट में मैं बात करूं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, हाउ टू टेक ड्यूरा प्लस टैबलेट और टेडालाफिल या डैपोक्सटिन टैबलेट्स। तो इसको हम यूज करते हैं SOS, यानी जब आवश्यकता होती है। अगर हम इसे अकेले यूज कर रहे हैं तो इसे SOS यूज किया जाता है, नहीं तो इसे 1 से 3 घंटे पहले, खास करके आपको क्या करता है कि 1 घंटे पहले या दिन लेने की सलाह दी जाती है, पर इसे 3 घंटे तक ले सकते हैं, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 1 से 3 घंटे पहले ये टैबलेट दी जाती है पेशेंट में, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये खाना खाने के बाद ही लेना होता है, नहीं तो आपको पेट से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसे परमानेंटली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब दूसरी सपोर्टिव मेडिसिन के साथ में यूज की जाती है, तो अगर आपको प्री मैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम बहुत दिन से है, तो परमानेंट ठीक करने के लिए ये मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे दी जाती है, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में दी जाती है। अपने मन से कभी भी मत लेना लंबे समय तक, क्योंकि ऐसा करने पर आपके शरीर पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की एक ड्यूरा प्लस टैबलेट्स के बारे में जो पुरुषों की समस्याओं के लिए है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, हमारा हेल्थ मुखिया चैनल जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।